कारगिल शहीद दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजधानी के कारगिल शहीद स्मृति वाटिका पर सीएम पहुंचकर वीर शहीदों पर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें नमन किया। इसके बाद सीएम योगी ने शहीद के परिवार वालों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन वीर सपूतों के कारण ही देश के 136 करोड़ लोग आज सुरक्षित हैं। अपने संबोधन के दौरान सीएम ने यूपी में 100 सैनिक स्कूल खोलने के प्रस्ताव की भी बात कही है। देहरादून में कारगिल दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ी घोषणा की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दूसरे विश्व युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं और उनकी पेंशन को 8,000 से बढ़ाकर 10,000 करने का फैसला किया गया है। वहीं एनडीए, सीडीएस या फिर इन जैसी परीक्षाओं को पास करने वाले छात्रों को एसएसबी की तैयारी के लिए भी सरकार की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद बनाने के लिए नए पोर्टल up.mygov.in की लॉन्चिंग की है। इसके जरिए सरकार योजनाओं के अमल में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करेगी और इससे ये पोर्टल जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करेगा। आपको बता दें कि केंद्र के इस पोर्टल के 7 साल पूरे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रदर्शनकारी कुछ जगहों पर चक्का जाम के साथ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हुई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि ठेकेदारी प्रथा खत्म की जाए। इस बीच शासन की ओर से कहा गया है कि इस हड़ताल से किसी भी हाल में मरीजों की सेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए और 108, 102 सेवा को एस्मा के तहत मानते हुए हड़ताल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।